आप अभी दो टास्क करके आए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के, कुशक। जब रेस्क्यू ऑपरेशन होता है और आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती, कोई भी व्हीकल नहीं जा सकता, कोई तरीका नहीं, आपको सामान पहुंचाना है और आपके पास में लिमिटेड समय होता है, तो अभी जो आपने टास्क किया लिमिटेड समय में, वो जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ एज से ज़्यादा, क्योंकि जब आप उस एज में पहुंचेंगे जिसे बोलते हैं, सरकार कहती है 18 साल का हो जाएगा तो वोट देगा, ठीक है, 18-19 साल का हो जाएगा तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिलेगी, तो जो छोटे बच्चे डिज़ास्टर में फंस जाएंगे, ये रास्ते में एक हर्डल आ गई आपके, ये देख रहे हैं। अभी ये ट्रिकी मामला है। कैसा मामला है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिकी? इट्स नॉट आसान। इसको उठाते हुए आप किसी को, अपने आप को या दूसरे लोगों को मार सकते हैं, क्योंकि ये लंबा है, बेस नहीं है इसका, अगर इसको खड़ा करेंगे तो ये गिर जाएगा। तो कैसे इसको उठाएंगे? आपको पूरी टीम को यहाँ से वहाँ तक सेट करके लगना है, फिर जब घुमाएंगे तो एक दो लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे, किसी गाड़ी में ना लगे, किसी इंसान को ना लगे, ये जो स्टॉपर्स लगे हुए हैं इनमें ना लगे, ये यहाँ ना लगे कहीं भी, इसको घुमाकर एक जगह लिटा देना है। कुशक, सनी, आदित्य, सिया, कहते हैं कि हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। ये फ्लैट टायर के साथ में सारा जमा हुआ कचरा, ये कार को खड़े हुए यहाँ महीनों हो चुके हैं, ये कार को खड़े हुए यहाँ महीनों हो चुके हैं, फ्लैट टायर हैं दोनों, झुक गई आगे कार, बिल्कुल अंदर घुस गई है, बड़ी महंगी कार है मासी जी, पूरे चारों टायर फ्लैट हैं। जब ये लोग वहाँ से हर्डल क्लियर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि देखो कोई इधर उधर आते जाते को लगे नहीं, सबको बोलोगे प्लेस इट हियर, ठीक है, प्लेस द आर्टिकल फास्ट फास्ट। 9 लोगों को मैंने चुना है, आपको क्या करना है इधर देख लीजिए, वहां से जो हर्डल है वो बिल्कुल पतली है, और यहाँ देखिए हटो पीछे, यहाँ से मोटी है, और ये एक आयरन का क्या है, पोल, आयरन का पोल, तो इसमें जंग भी लगा हुआ है, तो जब आप, और यहाँ से ये कट वगैरह भी लगे हुए हैं, तो आपको ये देखना है कि उठाते हुए किसी के कंधे पर मुंह पर लगे नहीं, और क्या करना है, यहाँ से क्यों हटा रहे, क्योंकि यहाँ से हम चढ़कर उस बिल्डिंग में किसी को बचाने के लिए जाएंगे, कोई शक? नो सर। तो यहाँ से इसको प्लेस इधर कर देंगे, यहाँ, समझ गए? जी सर। बात करो आपस में, कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप ऊपर से उठा रहे हैं, आपके पैर के नीचे का अगर पत्थर फिसला, आप गिरेंगे, सुनो, आप गिरेंगे, इनको भी गिराएंगे, इसलिए बी केयरफुल, बहुत हैवी है ना, हाँ, तो इधर बहुत लोग लगेंगे और बीच में भी लगेंगे, तो इसको थोड़ा थोड़ा नीचे खिसकाओ, थोड़ा थोड़ा नीचे खिसकाओ, वेरी गुड वेरी गुड, बस बस रुक जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, पीछे आपके आ गया, गिर गई, वहां से निकालेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, चलो उधर, चलो चलो चलो, शाबाश, वेरी गुड, रख दो, ले जाओ, खिंचकाओ उधर उस तरफ, आराम से आराम से, वेरी गुड, बस बस, सो ब्रावो टीम, ब्रावो, वेरी गुड वर्क। आप क्या हैं? QRT टीम है। QRT का क्या मतलब होता है? क्विक रेस्पॉन्स टीम। रेस्पॉन्स का क्या मतलब है? जल्दी से जब भी कहीं मुसीबत आ जाए, आप लोगों को एक कॉल गया, आप लोग जल्दी से तैयार होकर अपना सामान लेकर, बैग लेकर, फर्स्ट एड लेकर, इक्विपमेंट लेकर पहुंच गए वहां। तो आज आपने ये जो रास्ते का हर्डल निकाला है, इससे आगे जो गाड़ियां आएंगी लोगों को मदद करने के लिए, उनको आसान होगा। ये मैंने कौन सा एरिया बताया? ये सारा अर्थक्वेक का एरिया है, ये सारे अर्थक्वेक में बिल्डिंग गिरी और उसके पत्थर वगैरह हैं सारे, राइट? इसके ऊपर चढ़ने का, और आप फौरन चढ़ गए, राइट? आपको क्या करना था? पहले उसको एक इंसान पैर से हिलाकर देखो, एक इंसान के क्या, ये अगर पलट गया, राउंड चीज है, ये पलट सकता था अगर यहाँ ये नहीं होती, इसमें ये इसमें चला गया, इसलिए आप बच गए। तो आपने क्या दिमाग को है ते की री की माँ का को है ते को को है ते की नी की रा का को है ते को को है ते की नी की रा को है ते को तुर्रा पकत नक तुर्रा सूरा के मैदान में कायर का क्या काम सूरा सो सूरा मिले तब पूरा संग्राम है तब पूरा संग्राम हो तब पूरा संग्राम कोहत की रिकी माको कोहत को रबा रबा जय किसान जय जवान जय उद्योग हनुमान की जय बोलो।